मित्र, एक क्वेश्चन था। मैं ये कह रहा था कि थैलीसीमिया के हवाले से जो बात हो रही है, जो आप काम कर रहे हैं वो भी हमें एक्सप्लेन कीजिए। और मैं चाहूंगा, क्योंकि आप इस दर्द को लोगों के महसूस कर रहे हैं उस काम को करते हुए, तो हाथ के हाथ प्रिकॉशंस भी बता दें कि, जी यानी बिल्कुल पहले बिल्कुल ही लोग अगर प्रिकॉशंस ले लें तो वो, यानी कॉस्ट भी बता दें, कॉस्ट क्या होती है, बच्चे को क्या तकलीफ होती है, एंड हाउ दे कैन यानी प्रिकॉशंस लेके अपने आप को रोके हो, कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए, मैं उमेर भाई बहुत शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि थैलेसीमिया को हम जो है किसी बीमारी का नाम नहीं दे सकते। थैलेसीमिया को मैं यह कहूंगा कि जो थैलेसीमिक बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं या जो पैदा हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गफलत की वजह से हो जाते हैं। वो गफलत, देखिए, अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह ने जिस जो है मखलूक को इस दुनिया में भेजना है वो भेज कर रहेगा, और जिस हालत में जिस तरह से भेजना है वो भेज कर रहेगा। मगर बाज़ोकात कहीं कहीं जिस जगह आप अपने तौर पर जो है एहतियात कर सकते हैं, उन एहतियात के बाद आप अगर किसी की तखलीक का जरिया बनते हैं और आपके अंदर से या आपकी फैमिली के अंदर से कोई अगर बच्चा पैदा होता है, तो आपको वो खुशी होगी कि यार ये जो बच्चा या ये जो शख्स मेरी या ये बच्चा या बच्ची जब इस खानदान में आया है तो वो किसी ना किसी तरह से जो है सेहतमंद है। तो इस पर आपको बड़ी खुशी होगी। वो इसलिए होगी कि आपने उस पर एहतियात बरती है। एहतियात क्या है कि थैलेसीमिया कोई मर्ज नहीं है। थैलेसीमिया मेजर या माइनर बच्चे का पैदा होना सिर्फ और सिर्फ एक बेहतियाती की वजह से होता है। उसमें एहतियात यह है कि देखें, आपका जब कहीं जोड़ हो रहा है या कहीं आपकी शादी अगर तय हो रही है या कहीं रिश्ता हो रहा है, तो आपने अपने आप को पहले टेस्ट करवा लेना। मैं मेल मेंबर की बात कर रहा हूँ, ताकि वो पहले टेस्ट करके अपना, एक छोटा सा ब्लड का टेस्ट है जिसमें एक टेस्ट करने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आदर यू आर कैरियर ऑफ एनी थैलेसीमिया डिसऑर्डर, जो ब्लड में डिसऑर्डर होता है उसकी आप अगर कैरियर हैं। उसमें भी एक काइंड होती है कि आप माइनर हैं या मेजर हैं। अगर आप माइनर हैं या मेजर हैं, तो आपने जिससे भी रिश्ता करना है ना, कम से कम उसका आपने फिर जरूर टेस्ट करवाना है। कि अगर आप नहीं हैं, तो फिर आप किसी से भी शादी कर लेंगे। अगर वो माइनर हैं तो आपकी वो जोड़ी, अगर जो बीवी है या जौजा आपकी होंगी, तो उससे और आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। मगर आप अगर माइनर हैं तो आप जरूर अपनी होने वाली जो भी मंगेतर हैं या होने वाली जो आपकी शादी जिनसे होनी है, उनको आपने टेस्ट करवा लेना है कि वो भी माइनर ना हो। अगर दोनों माइनर हैं तो बिल्कुल आप इस शादी को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि वो रिश्ता आगे ना बढ़ाएं और उसको आप तर्क कर दें, कहीं और दूसरी जगह ऐसा देखें कि जो माइनर ना हो। वरना होता यह है कि दो माइनर के बाद चांसेस हैं कि आपके आने वाले बच्चों में से तीन में या चार में से एक का या दो का थैलेसीमिया कैरियर होना लाजमी होता है। और फिर इसके बाद खुदा ना खास्ता अगर आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है और इस दुनिया में जब उसकी तशरीफ आवरी हो जाती है, वो दुनिया में जब आ चुका होता है, तो फिर इसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है या उनकी देखभाल है वो इतना तकलीफ दे मरहला है और इतना महंगा है कि हमने अच्छे अच्छों को जो है घुटने टेकते हुए देखा है। मतलब वो अच्छी कमाई करने वाले भी और अच्छी जो है रोजगार के मालिक भी, अपना काम भी करने वाले, मगर इस ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो बच्चों की निगहदाश्त के लिए जिस तरह से अपनी जान मान जो लगाते हैं, उसकी वजह से मैंने बहुत मुश्किल में उनको देखा है। तो फिर वो वक्त आ जाता है कि उनको ऐसे इदारों में जाना पड़ता है जहाँ उनके बच्चों की जो है फ्री ट्रीटमेंट हो रही हो, ताकि वो अपने रोजगार या अपनी जो कमाई है उससे कम से कम खर्चा खर्चा चला सके, और बच्चों की जो ये निगहदाश्त है या उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जो के जिंदगी भर चलनी है, जब तक उनकी आखिरी सांस है वो उनका ट्रीटमेंट चलना है। उनकी मेडिकेशन भी है, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, और साथ साथ फिर उनकी अपनी खुराक, अपनी उनकी जो जैसे कहेंगे कि जो नरिशमेंट किस तरह हो रही है वो भी देखना है। तो ये तो एक चीज है जिससे मैं कहूंगा कि एहतियात बहुत जरूरी है। हमने थैलेसीमिया को, इंशाल्लाह हमारा ये अज़्म है कि हमने थैलेसीमिया को, पाकिस्तान को थैलेसीमिया मेजर फ्री पाकिस्तान बनाना है। और इसमें सबसे बढ़कर जो हमारा अवेयरनेस का जो सेशन होता है या अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बात होती है
कि हमने कोशिश करनी है कि ऐसी शादियां नहीं होने देनी या ऐसी शादियों का हमने रोकना है कि जो दो थेरेसिया माइनर जो है वो आगे किसी तरह से वो निकाह में आने वाले हैं या शादी करने वाले हैं, तो उनको हमने कोशिश करके हमने उनको अवेयर करना है कि भाई इस तरह अपना टेस्ट जरूर करवा लें। छोटा सा एक टेस्ट होता है, ब्लड का एक टेस्ट होता है, उसमें आपको बहुत सारे सेंटर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं, उसमें आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंप लगते हैं। तो ये तो हो गया थैलेसीमिया की, वो थैलेसीमिया के हवाले से छोटा सा कंफ्यूजन था, जैसे कि मेरा थैलेसीमिया का मैंने टेस्ट नहीं किया था, मेरी वाइफ का भी नहीं हुआ था, हमारी एक औलाद है, वो बेटा हमारा 5 साल का होने वाला, तो अब बिफोर हैविंग अनदर चाइल्ड क्या हमें ये करवा लेना चाहिए या अब जाने दे जिंदगी? नहीं नहीं बिल्कुल करवा लें। इसमें यह है कि सिर्फ आप मेल आप अपना टेस्ट करवा लें, और इसके लिए बहुत आसान सा एक तरीका है कि जब भी आप हमारे कोई ब्लड कैंप्स लगते हैं, ब्लड ड्राइव्स होती है जिसमें हम ब्लड डोनेशन वगैरह लेते हैं डोनर से, तो आप जब वहां आएंगे ब्लड देने के लिए, तो जब आप ब्लड दे देंगे तो आपने ऑटोमेटिकली जो है अपने ब्लड को रजिस्टर करवा दिया, और हम उसकी फिर एक स्क्रीनिंग करते हैं। वो जो स्क्रीनिंग होगी इसमें इलेक्ट्रोफेरोसिस का भी टेस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोफेरोसिस एक टेस्ट है जो थैलेसीमिया की मेजरमेंट के लिए होता है, वो थैलेसीमिया चेक किया जाता है उसमें कि ये कैरियर है या नहीं है, तो वो टेस्ट भी हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, उसमें कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि इफ यू आर एनी थैलेसीमिया कैरियर या आप माइनर हैं या, तो उससे पता चल जाएगा। बाज़ औक़ात होता है कि बंदे की फिजिक या बंदे की एक लाइफ साइकिल है जो चल पड़ता है, और उसमें नजर आ जाता है कि आपकी कोई बॉडी में कोई डिसऑर्डर नहीं है या आपकी ग्रोथ में जो है वो जो इन जो आपकी जो ग्रोथ की जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सारों के जो है वो खत छोटे रह जाते हैं, बहुत सारों के जो है वो चेहरे की जो है फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, बहुत सारों की जो है वो बॉडी जो है बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, वो इस वजह से कि उनके अंदर बॉडी में आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी होती है। मगर अगर आप ब्लड देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट हो जाएगा, तो ये तो एक कंफ्यूजन दूर हुआ। एक और वो सवाल नहीं है कोई, वो बस क्योंकि आप फील्ड से हैं और आप लोगों का दर्द महसूस कर रहे हैं, तो मैं वो बताता हूँ जो मेरी मेरे साथ हुआ था। मुझे मैंने कुछ प्रोग्राम्स देख लिए थे बिफोर माय मैरिज, तो ये थैलेसीमिया के, तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि अम्मी ऐसा करते हैं कि मैं भी करवा लेता हूँ एक टेस्ट, और आप लड़की वालों को भी बोले कि वो भी करवा लें। तो अम्मी एकदम से हो गई, तुम अजीब बात कर रहे हो, ये बात मैं रखूंगी, वो तो एक लड़ाई बन जाएगी और ये होगा वो होगा। अच्छा, मैंने तो फिर भी छुप के, मुझे याद है मैंने करवा लिया था कोई ब्लड टेस्ट, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि अभी थैलेसीमिया का वल्ला वाला मेरे ख्याल नहीं हुआ था, उन्होंने एक जनरल सीबीसी या कुछ ऐसे कर लिया था, मैं लैब खुद तो चला गया था। तो कहूंगा इस मिथ पे थोड़ी सी आप बात कर लें, ये हमारे लोगों के लिए। हम जब जाते हैं ना सेशन, हमारे डिफरेंट सेशन होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में, तो स्पेशली ये सवाल बहुत सारी फीमेल की तरफ से आता है, और वो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम किस तरह से इस बात पर कन्विंस हो या हमारे माँ बाप कैसे कन्विंस हो। तो अब हमने इस पर ये कहना शुरू कर दिया है, और ये अच्छा भी है स्पेशली हमारे इस माशरे में, कि भाई हम कहते हैं कि चले आप अपने मेल मेंबर का आप जरा करवा लें, जो जो आप रिश्ता करने जा रहे हैं आप अपना करवा लें, और आपको अपने वालदेन को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपने अपना जाकर ब्लड डोनेट किया, आपने कह दिया मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करवाना है और थैलेसीमिया चेक कर लें, तो उसमें अगर आपको पता चल जाए कि आप माइनर हैं या मेजर हैं, तो फिर आपने आने वाले वक्त में फिर आपने वो जरूर कंडीशन रखनी है, फिर आपने इसको तय कर लेना है कि भाई अब मैंने जहां भी रिश्ता करना है तो मैं मिशन जरूर करूंगा रखूंगा कि भाई मैं चाहूंगा कि भाई आने वाली जिंदगी में हमारी औलाद भी सेहतमंद हो, हम खुद भी दोनों मियां बीवी भी सेहतमंद जिंदगी गुजारें, और आने वाली जिंदगी में हमें कहीं ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम ये छोटा सा एक जो है ना ब्लड का टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हमें पता चल जाए कि कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं है ब्लड में, तो ये बड़े अच्छे तरीके से उनको कन्विंस करके समझाना पड़ता है। तो अब हम ये नहीं कहते कि भाई दोनों मेल और फीमेल पहले टेस्ट करवा लें, हम कहते हैं कि भाई मेल मेंबर्स करवा लें, और अगर वो माइनर हैं तो फिर अपना जो रिश्ता जहां करने जा रहे हैं उनसे एक बड़े अच्छे तरीके से वो रिक्वेस्ट कर लें कि भाई वो अगर टेस्ट करवा लें, तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए जो है
वो सूदबंद होगा और हम अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार पाएंगे। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दी जा सकती हैं, तो ये सेशन इस तरह से हम लोग अवेयरनेस करते हैं तो बताते हैं। असल अच्छा, आप में लोग उस पर इस आओगे सवाल को वॉलेंटियर पे? जी मैं लेकिन इसमें फिर एक बात कहूंगा। असल में वो जी जी मुझे जी याद आ गया, मेरे दिल के ये करीब इतना इसलिए रहा ये थैलीसीमिया का सिलसिला कि मेरा एक स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर पढ़ी अच्छा उसने मुझसे। अच्छा, वो थैलीसीमिक था, तो इटली में कहीं कोई इलाज उनके वालिद को मिला। अच्छा, देवर यानी यू कैन से सुपर रिच ना, इंडस्ट्री वगैरह, वेल टेक्सटाइल ऑफ वगैरह में, से। तो वो ले गए उनको ना, बेटे को ले गए, ठीक ठाक पैसे भी इन्वेस्ट हुए। अच्छा, वो ये हुआ ये था कि वो कोई नया एक्सपेरिमेंट इलाज था जिसमें उनकी बेटी भी साथ गई थी, और बेटी का हाँ, वो ब्लड होता है लेके बोन गालिब। मैरो, उसको कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, BMT कहलाता है। उसमें आपको फैमिली राइट, मेंबर से जो है आपका बोन का जो मैरो होता है वो डोनेट करना होता है, और वो उसको मैच करना होता है, और वो फैमिली मेंबर ही आपको दे सकता है। तो वो ट्रांसमिशन होता है और उसमें फैमिली मेंबर आपके जाता है, और जो बिल्कुल परफेक्ट है जिसमें कोई ऐसी सही, डिसऑर्डर नहीं है, तो उनका मैरो लेकर जो है वो उनकी बोन्स में जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो बच्चों का हो सकता है, वो एक स्पेसिफिक एज है, वो लिमिट तक हो जाता है। और उसके बाद माशाल्लाह बड़े अच्छे केसेस यहाँ हैं। मगर आप इसकी कॉस्ट का जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये अफोर्डेबल हर किसी की बस की बात नहीं है, कोई 40 से 45 लाख या 50 लाख के करीब जो है इसकी कॉस्ट आती है ये। और इसके बाद सिर्फ ऑपरेशन करवा लेना या ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना काफी नहीं होता, इसके बाद 2 से 2.5 साल तक उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है उस बच्चे की, उसको पूरा आइसोलेट करके, जैसे आजकल हम पेंडेमिक में आइसोलेट होकर रह रहे हैं ना, उस तरह से उस थैलेसीमिया वाले बच्चे को पूरे एक सेपरेट कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में उसको रखना पड़ता है, ना डस्ट आए, ना धूल आए, ना आगे वहां से कोई इस तरह की धुआं आए, उस कमरे को बिल्कुल जो है स्टरलाइज करके रखना होता है। ये 2-2.5 साल का आपका एक सेटअप होता है। उस प्रोसीजर के बाद उस बच्ची की ग्रोथ जब होना शुरू होती है तो वो फिर उसकी डिसऑर्डर वो खत्म होता है। तो बहरहाल ये आपने तो करवाया। मैं और फिर वहां 5-6 महीने, साल भर वो लोग रहे भी, लेकिन फिर उसका वही इंतकाल हो गया, वही उसकी तदफीन हुई, और फिर अलगैन ना वो घर आ गए। अच्छा हजरत, मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई यानी ब्लड डोनेट करना चाहे, यानी अगर अगर किसी को थैलीसीमिया का टेस्ट करवाना है, तो मेरे ख्याल इट्स बेटर कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई ब्लड डोनेट कर दे, तो उसकी कोई डिटेल बता दे या नाम बता दे एटलीस्ट। हमारे जिस तरह से देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्लड कैंप्स कर रही होती हैं, तो हम अपनी जो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर के थ्रू जो हम करवा रहे होते हैं अपनी कैंपेन, वो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा महीने भर का जो ब्लड हमें जो बच्चों को हमने ट्रांसफ्यूज करना है उसकी हम अरेंजमेंट कर लें। तो वो हमारे इस तरह के सही, कैंप जो हैं महीने में को 2-3 इस तरह हो जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह ब्लड ड्राइव है उसकी मैं डेट किसी तरह से आपको मैं बता दूंगा, और आप जरूर अपने पेज पर बस भी डाल दीजिएगा, और मैं अपने तौर पर भी अपने पेज पर भी वो रखता हूँ उन डेट्स को। और फिर कहीं इमरजेंसी होती है तो उसमें हम अपना पोस्ट चला देते हैं, बहुत सारे डोनर्स आ जाते हैं माशाल्लाह से, वो अपना ब्लड जो है ग्रुप वाइज वो देकर चले जाते हैं। तो सही इंशाल्लाह इस पर मैं आपको जरूर अपडेट रखूंगा।